तो मैं निकला हूँ हिमाचल एक्सप्लोर करने एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम बीर। ऑल्दो ये पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है बट आई फेल इन लव विद दिस प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स वाइड ओपन फील्ड्स एंड फ्लैट लैंड्स। आज मेरा फोर्थ डे है यहाँ पे एंड आफ्टर बींग इन क्वारंटीन फॉर टू डेज एंड फिनिशिंग अप सम वर्क आई डिसाइडेड टू स्टेप आउट फॉर अ वाइल। यहाँ दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होती है और शाम तक सीन कुछ ऐसा हो जाता है। यूजली यहाँ दोपहर में रोज बारिश होती है। इन जस्ट थ्री डेज इट्स बिकम लाइक अ फैमिली सीन विद एवरीवन हियर। और यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम हियर। सो मैं कभी कभी अपना खाना खुद कुक करता हूँ, कभी बाहर से खा लेता हूँ और कभी यहीं हॉस्टल में ही खा लेता हूँ। What's going on people? मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं दैट दे आर जेलस। आई नो इट्स ऑन अ पॉजिटिव नोट बट इट्स वेरी सिंपल टू कम हेयर नाउ। एटलीस्ट अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत रिलैक्स्ड हो गए हैं। आई टेल यू अबाउट दिस इन डिटेल थोड़े टाइम में बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्लेस बीर। सो 2018 में मैं अपने डैड के साथ यहाँ पे आया था एंड आई इमीडिएटली यू नो फेल इन लव विद दिस प्लेस। सो यहाँ का यूएसपी है पैराग्लाइडिंग। सो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ और जो मार्केट आपने देखा था वो बीर की मार्केट है एंड बिलिंग उधर है सामने ऊपर जो यहाँ से आई थिंक 14-15 किलोमीटर्स है। सो बेसिकली दिस इज़ वेर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इज़ द लैंडिंग साइट और बिलिंग इज़ द टेक ऑफ साइट। तो वहाँ से व्हेन यू विल बुक दैट अट्रैक्शन तो आपको लेके जाएंगे ऊपर और वहाँ से पैराग्लाइड करते हुए आप यहाँ पर नीचे आके लैंड करोगे। सो कल रात को भी मैं यहाँ पे आया था जहाँ पे मैं रुका हूँ इट्स कॉल्ड बीर नेस्ट। सो बेसिकली ये बीर का टाउन है एंड जहाँ मैं रुका हूँ यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं दैट्स कॉल्ड विलेज चौगान। इट्स अ हॉस्टल होम स्टे एंड यू मीट लाइक माइंडेड पीपल हियर। तो रात को मेरा प्लान बन गया। सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड आउट। दो दिन आपको क्वारंटीन यहाँ पे करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टे इनसाइड द प्रॉपर्टी। वो किया उसके बाद कल रात को मैं निकला। यहाँ पे हम लोग गैलेक्सी का टाइम लैप्स लेने आए थे, वो नहीं दिखा बट आई स्टिल टुक अ टाइम लैप्स। हेलो गाइस, हियर यूट्यूबर हैज बीन चेंज्ड फॉर सम टाइम। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग मैन? फुल पावर यार। सो करंटली वी आर गोइंग ऑन लैंडिंग साइड। सो वी हैव कम टू द लैंडिंग साइट राइट नाउ और अभी हम एक टाइम लैप्स लेंगे मिल्की वे का बट थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है। अभी 10:30 हुए हैं तो देखते हैं आधे घंटे में शायद ये क्लियर हो जाएगा काफ़ी। अभी मैं दिखाऊंगा तो शायद दिखेगा नहीं, मून दिख रहा होगा। और आज का प्लान ये है, वैसे तो बहुत धूप हो रही है और क्लाउडी होना शुरू हो गया है
थोड़ी देर में इट्स गोइंग टू स्टार्ट रेनिंग, तो अब मुझे भी यहाँ पे आके वेदर यहाँ का समझ में आने लग गया है. आई थिंक 3-4 बजे के आसपास इट्स गोइंग टू स्टार्ट रेनिंग, फिर 2-3 घंटे तक होगी. बट अभी मैं एक वाटरफॉल जा रहा हूँ एंड आई हैड माई ब्रेकफास्ट सुबह खुद से बना के, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू दैट वाटरफॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. लास्ट टाइम आया था मुझे जाना था, बट एक दिन के लिए आया था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. इस बार टाइम ही टाइम है, तो लेट्स गो टू द वाटरफॉल एंड चिल देयर फॉर सम टाइम. तो मैं जा रहा हूँ एक वाटरफॉल जिसका नाम है गुनेर, और जहाँ पे मैं पैराग्लाइडिंग साइट पे था, द लैंडिंग साइट, वहाँ से उसका रास्ता 15 मिनट का था. बट देर वॉज एन ऑल्टरनेट रूट जो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन से घूम के जाएगा, विच इज़ लॉन्गर, इट्स गोना टेक लाइक 40 मिनट्स टू एन आवर. बट जब आए तो एक्सप्लोर करेंगे ना अच्छे से. साउंड्स, पता है किस चीज के साउंड्स हैं ये? स्टीप रास्ता है यहाँ पे, मतलब अब तो मुझे नीचे ही जाना है. खैर So, वो जो ऑल्टरनेट रूट मैं ले रहा था आगे गया, तो आगे वो रास्ता बंद है, मैंने किसी से पूछा, सो आई हैव टू गो ऑल द वे बैक टू दी पैराग्लाइडिंग साइट. बट यहाँ से भी आधा घंटा ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैं इधर से जा रहा था बट इन्होंने बताया कि रास्ता बंद है यहाँ पे. अच्छा. आगे देखा मैंने अभी मेरे सामने फेंकते हुए. ये हमारे गांव में नहीं गए फेंकते, हमारे गांव लगा यहाँ वो शेर से वो लगा पल्ले शायद. मेरे यहाँ माइकी है ना. हाँ जी. वो मेरा भैया एक बीमार बहुत. अच्छा. उसको देखना आई थी मैं शाम को. अच्छा अच्छा. मेरे पास लेट आने कर ये कौन बच्चा है. ये
सो थोड़ा सा चेंज इन प्लान, मौसम जैसे आपको दिख रहा है इधर, मुझे जिस साइड पे जाना है वहाँ पे पक्का बारिश होगी अभी आधे पौने घंटे के अंदर, हो सकता है पहुँचने से पहले ही हो जाए, तो इट्स गोइंग टू बी ऑल मेसी और वो रास्ता थोड़ा बहुत कीचड़ वाला है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल सुबह सुबह उठ के जाता हूँ, बिकॉज 3-4 बजे के बाद ही बारिश होती है, सुबह होती नहीं है जब से मैंने देखा है, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ गुड आइडिया अर्ली मॉर्निंग टुमारो। सी कैसा हो रहा है अभी, यहाँ बारिश शुरू हो गई है और बहुत मोटी और एकदम से होगी ये। सो आई गो एंड ईट समथिंग समवेयर और फिर उसके बाद वापस हॉस्टल जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। सो वाटरफॉल का प्लान तो कैंसिल हो गया, बट वापस हॉस्टल जाके मेरा एक रिवर साइड के पास जाने का प्लान बना। और जिस वाटरफॉल पे मैं जाने वाला था उससे ही जो पानी बह के आ रहा है वो इसी रिवर में आ रहा है। आपका नाम क्या है?